पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में पैसे लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में पैसे लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं और नकारा लोगों को इन महत्वपूर्ण विभागों में बड़े ओहदों पर बिठाया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने श्री नैना देवी विधानसभा की चर्चा करते हुए कहा कि बरसात के दौरान सड़कों की मुरम्मत के लिए दिए गए ठेकों की जांच भी की जानी चाहिए, क्योंकि इस कार्य में भी बड़े स्तर पर घोटाले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का एक भाजपा नेता ने दोबारा उद्घाटन किया है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, क्योंकि अपने कार्यकाल में नेता ने कोई भी कार्य नहीं करवाए। रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि सारे गड़बड़ी वाले ठेकों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने इन मामलों में उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई तो वे सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी सरकार ने जांच नहीं की तो वे विधानसभा के बाहर धरना देंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस सेवा दल महामंत्री संदीप सांख्यान, सदर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष राजेंद्र पाल उपस्थित रहे। अंदर और बाहर की बात देखें तो सरकार कह रही है कि ये कोरोना है इसलिए फिलहाल काम नहीं हुआ। एक तरफ से कह रहे हैं कि हमारा बजट जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है और खर्च हो नहीं रहा है, फिर बीच में जो है ना गलत तरीके से ठेके दिए जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार ये भी देखें कि आप अनक्वालिफाइड आदमियों को जो है ना प्रमोट करके क्यों लगाते हैं भाई। जो आदमी क्वालिफाई नहीं करता उसको आपने एक्सीजन लगा दिया, पैसे लेके लगाया, और जिस ठेकेदार से 2 लाख रुपए लिया उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। स्वारगाड़ से मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने नहर में छलांग लगा के जान दे दी, क्योंकि पैसा दिया था उसके बाद उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से सरकार रोके इसको जाके। जब आपका एक्सीजन ही 4 लाख रुपए देख के घूसखोरी देके लगे तो आगे क्या होगा, वो भी लूटपाट मचाएगा। नैना देवी हो, चाहे स्वारघाट हो, चाहे मिरनमोल हो, चाहे वो सब डिवीजन नंबर 3 हो, उसकी इंक्वायरी सरकार ये करे कि जितना भी बरसात के टाइम पे डेबरीज पड़ी वो डेबरी किस ठेकेदार ने उठाई, कितनी उठाई, कितने क्यूबिक मीटर उठी और कितनी पेमेंट हुई, क्या वो टेंडर जो है वो वैलिड टेंडर लगाए हुए थे, उसमें लाखों रुपए का जो है वो लेन देन हुआ है, खासकर नैना देवी सब डिवीजन में, या मैं कहूँगा स्वारघाट सब डिवीजन में, या मैं कहूँगा ये जो सब डिवीजन नंबर 3 है, चाहे वो नमोल है, ये सारे इसकी छानबीन होनी चाहिए कि ये लूटपाट मार करने का कारण क्या है। और साथ में कारण क्या है, जब आपने जो है ना टेंडर लगा दिए, टेंडर खुलना है तो एक्सीजन छुट्टी क्यों चलाया था भाई, इसलिए क्योंकि जो ठेकेदार लाइन में है वो आपस में बातचीत करके आगा पीछा करके जो है ना कुछ लेन देन करके वो फिर उसके बाद वो ठेका खुलता है। और जिस ढंग से मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे ये जो भूमि पूजनों का कार्यक्रम चला हुआ है ना, कि जिन जहाँ पे 18 साल हो गए सड़क को चली हुई को, उसका भी भूमि पूजन हो रहा है। जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई हुई 3.5 साल हो गए उसको बनी हुई को, मैंने बनाई थी, अब आज उसका भी उद्घाटन हो रहा है। ऐसे में कहना चाहता हूँ कि ये कारण क्या है कि आज ये जो आज कोशिश हो रही, जैसे जैसे इलेक्शन आगे आ रहे हैं, पैसा कोई नहीं दिया हुआ है,